हाय गाइस बोलो आई लव यू। हरे महादेव गाइस, तो हम निकल पड़े फिर से एक नई जर्नी के साथ। आज हम दिल्ली से ही हिमालयन के साथ जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। ज्यादा बर्फ गिर रही है कि इतना पैक करना पड़ा है सामान। समझ आ रहा है आपको? ढाबे के खाने से तो विश्वास ही उठ गया, इतना वाहियात खाना। ओ माई गॉड। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। सो हम लोग जा रहे हैं देहरादून। तो मुझे ऐसा लगा था कि दिल्ली से सीधा रोड मिलेगी और हम लोग पहुंच जाएंगे देहरादून, बट इट वॉज अ कम्प्लीट डिफरेंट स्टोरी। फिर हमें आना पड़ा हरिद्वार। हरिद्वार मतलब उत्तराखंड से इतना लगाव हो चुका है कि आप देख ही रहे हो, हर बार हम यहीं पहुंच जाते हैं। भाई क्या करें, दिल्ली वाले लोग के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। पहुँच कर आपको दिखाते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सो हम लोग आ चुके हैं देहरादून। Let me show you something. यहाँ की धूप और यहाँ की चीज़ें, वैसे यहाँ कूल इन्वायरमेंट तो ऑल टाइम होता ही होता है। देखो आप, यहाँ दिल्ली जैसा रस भी होते जा रहा है यार। सो कल रात को हम काफ़ी लेट हो गए और यहाँ पहुँचे, किसी तरह हमको रूम मिला एंड देन वी सर्वाइव फॉर यू नो वन नाइट। अब हम लोग चेकआउट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको रूम दिखाता हूँ और प्रियंका दिखाता हूँ। आ जाओ देखो, चेकआउट करने की प्लानिंग चल रही है। यस नो मिस? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन। सेव खा लो। सेव खा लो, मैं भी वही खा रहा हूँ। तो अभी हम लोग चेकआउट करेंगे और फिर आपको घुमाते हैं गुच्चू पानी। आई मीन दिस इज अ केव वेयर वी एक्चुअली हैव अ यू नो वे जहाँ पास पानी रहता है, इसीलिए उसको गुच्चू पानी कहते हैं। तो यार सोचा कि 12 बजे का चेकआउट टाइम है, तो अभी घूम लेते हैं फिर दिखाते हैं। जल्दी आओ गाइस, आपको बाइक नहीं दिखाया हमने, हमने बाइक चेंज कर ली थी, आपको बाइक दिखाते हैं। ये देखो, देखो कैसी है। दिस इज अ क्लासिक BS करके कोई है, बहुत प्यारी चलती है, स्मूथ एंड दिस इज द वन। ठीक है, तो ये हो गया आपके सुपर बाइक, लेकिन मेरी लोकल बाइक वो है। सो ब्रो, वेयर आर यू गोइंग? कहां जा रहे हो? गुच्चू गुच्चू पानी, गुच्चू पानी, गुच्चू पानी जा रहे हैं गाइस। आ जाओ, और यहां बहुत ज्यादा धूप हो रही है देहरादून में। हमें लगा ठंड होगी, लेकिन हमने जैकेट वैकेट डाल लिए, बट हमारा चूते कट गया। भाई साहब, IQ लेवल जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ना, वो आइंस्टीन को फेल करने वाला है। मतलब एक बंदा है हमारे साथ, वही जो चूतिया वाला वर्ड बहुत बोलता है। अब देखो उसको दिखाता हूँ उसने क्या हमें आइडिया दिया है। वैसे हम लोग गुच्चू पानी ये सब आ चुके हैं, तो अभी ये वाला पानी गुच्चू पानी नहीं है, दिखाएंगे आपको। ये देखो बंदे ने बताया इसने क्या किया है। इसने क्या किया है, ये देखो, इसके जो यू नो वो जो लेयर होती है ना, निकली होती हैं, उसको इसने इस डिग्गी के अंदर बंद कर दिया है और इसको बंद कर दिया ताकि ये सब फंसे रहे। और एक बकल टाइप है, तो उससे क्या होगा ना, ये निकलेंगे नहीं। और हेलमेट से इतना भी थोड़ा कोई अमीर हो जाएगा, मतलब क्रिएटिव माइंड बॉस। पहली बार ये ऑलवेज मैंने भी यूज़ करना है जब भी स्कूटी मेरे पास रहेगी, और ये ओनली स्कूटी में हो सकता है, इसलिए कृपया स्कूटी ले लीजिए। हेलमेट होते हैं, एक ही हेलमेट बंदा रख पाता लगा जाए। वी आर जस्ट स्टैंड फ्रंट ऑफ गुच्चू पानी। ये देखो पीछे देख सकते हो आप, ऐसे दिखेगा। अब हम अंदर जाएंगे और जाकर देखेंगे क्या है वहां पर। ये आ गया। हाय गाइस, भाई साहब गुच्चू पानी स्टार्टेड। यार गुच्चू पानी दिखाते हैं आपको, वो देखो वो देखो। हाय स्टार्टर है ये, स्टार्टर, मेन कोर्स बाकी है अभी, पता है आपको। कुछ ज्यादा एडवेंचरस लग रहा है, देखो। हाँ यार एकदम दिखाओ ना, बस एक स्नेक मिल जाए ना, सांप मिल जाए तो और मजा आ जाए। गाइस चल के दिखाते हैं, चल के चलो भाई, हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। आ जाओ चले, चलो उधर नहीं, इधर। हाँ अच्छा इधर से है, सॉरी भाई, रास्ता देखो थोड़ा सा डेंजरस टाइप का है, ठीक है। और हम दिखा देते हैं आपको पीछे वाले कैमरे से। हाय बोलो, हाय वाला कैमरे में, नहीं बोलो हाय गाइस, बोलो हाय गाइस, बोलो आई लव यू। मजा आ रहा है भाई, बस डर लग रहा है चप्पल तैर के ना चली जाए। चलो
चले क्या यार, ऐसा लग रहा है यहाँ रात हो गया है। आई एम गोइंग टू बी एंजॉयिंग इट एज मच एज आई कैन। आगे तो और ज्यादा नैरो होती जा रही है भाई। कुछ भी बोलो, एंजॉय ऐसा करो कि चार लोग आपसे पूछने लग जाएं कि आप कहाँ से आए हो। ये देखो, विकास का सिर्फ एक ही काम है कि पानी में चींटी काट के सबको डरा देना। इतना शोर मचाओ कि सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर हो और वो जगह आपके शोर से गूंज उठे। Oh my gosh guys, you know what? This is a kind of very adventurous and thrilling experience. You know, if you're coming in Dehradun, I would 100% recommend you to be visiting this place and enjoy as much as you can, because bhai saab, ऐसा होता नहीं है जनरली, यू नो, भागीरथी हम नदी सुनते रहते हैं, ये नॉर्मल नदी है और आप कूल तरीके से, बढ़िया तरीके से लोगों के साथ एंजॉय कर सकते हो और बहुत ही ठंडी प्लेस है, जरूर आना, बड़ा ही थ्रिलिंग था यार। लास्ट में हमने विजिट किया भूतमंगला, जो कि बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और विजिट करें।